ग्रहण के समय क्यों बंद रहते हैं मंदिर, नहीं होती किसी भी प्रकार की पूजा, बढ़ जाता है असुरी शक्तियों का प्रभाव। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण के दिन सभी प्रमुख मंदिर बंद रहते हैं। सूर्य ग्रहण खत्म होने तक इनके दरवाजे बंद रखे जाते हैं। इसके अलावा मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दिन भोजन आदि खाद्य पदार्थों में भी तुलसी की पत्ती डालकर ही उन्हें ग्रहण करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ये सूर्य ग्रहण तड़के 4:29 से शुरू हो जाएगा और शाम 5:22 तक रहेगा। इस पूरे अंतराल में प्रसिद्ध मंदिरों के कपाट शाम को 6:30 तक नहीं खुलेंगे। ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट क्यों बंद रखे जाते हैं? हिंदू धर्म में ग्रहण को लेकर कुछ परंपराएं काफी प्राचीन समय से चले आ रही हैं। जैसे ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना, इसके पीछे मान्यता है कि ग्रहण के दौरान पूजा पाठ और सोने पर भी इसका असर पड़ता है। इन्हीं परंपराओं में से एक परंपरा है मंदिरों के दरवाजे बंद रखना। हिंदू धर्म में मंदिरों के अलावा घर में मौजूद पूजा स्थल को भी कपड़ों से अच्छी तरीके से ढक दिया जाता है। इस परंपरा के पीछे कई प्रकार की धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा गया है, ग्रहण के दौरान देवी शक्तियों का प्रभाव कम होकर असुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए इस दौरान पूजा पाठ करने की मनाही होती है। मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान मौन अवस्था में रहकर मंत्र जाप करना चाहिए। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ग्रहण के दौरान पृथ्वी के वायुमंडल में हानिकारक किरणों का प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए इस दौरान खाने पीने की मनाही होती है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ग्रहण काल के बाद जब ग्रहण पूरी तरीके समाप्त हो जाए तब सभी मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों को अच्छी तरीके से धोया जाना चाहिए। साथ ही मंदिरों को भी सही ढंग से साफ किया जाना चाहिए। इसके बाद ही इन प्रतिमाओं को पुनः मंदिर में स्थापित किया जा सकता है। ऐसी मान्यता है ऐसा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है।